हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज एक और अमेजिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आज अपना दिमाग का थोड़ा सा सही उपयोग करें, कह सकते हैं अपना ब्रेन वॉश करें। बहुत सारे हैकर्स आपने देख लिए हैं, मेरे चैनल पे देखा होगा, बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, बहुत सारे आर्टिस्ट को फॉलो करते होंगे, और जो मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको भी मैंने बहुत सारे हैकर सिखाए हैं। लेकिन काफ़ी बार ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, कैसे काम करें, कैसे ना करें, उसने ऐसा क्यों किया है, ऐसा हैकर क्यों किया है। सो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं बार बार रोक रही है, कहीं ना कहीं आपको काम करने में हेल्प नहीं कर पा रही है। सो वो क्या है, वो यही है कि आपको इमेजिनेशन पावर का बहुत ज़्यादा सही उपयोग करना चाहिए। आज भी मैं कोई अलग टेक्निक के साथ काम करूँगा, बट आप देखते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं रिजल्ट लगभग हमारा सिमिलर आता है। कभी हम स्टेप्स के साथ काम कर रहे हैं, कभी हम फ्रंट लेयर के साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल हम टेक्निक को देखते हैं, बट आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने एक सेक्शन डिवाइड किए हैं 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या काम करता है। सो मैं इस वीडियो में जो आपको सिखाने वाला हूँ, ये सिखाने वाला हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए, हमारी लेयरिंग्स कहाँ से मिलती है, हमें वॉल्यूम कहाँ से मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा अगर वॉल्यूम कम करना है या ज़्यादा करना है तो हम कहाँ पर वर्क करें जिसकी वजह से हमें हेल्प हो। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज एक और अमेजिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आज अपना दिमाग का थोड़ा सा सही उपयोग करें, कह सकते हैं अपना ब्रेन वॉश करें। बहुत सारे हैकर्स आपने देख लिए हैं, मेरे चैनल पे देखा होगा, बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, बहुत सारे आर्टिस्ट को फॉलो करते होंगे, और जो मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको भी मैंने बहुत सारे हैकर सिखाए हैं। लेकिन काफ़ी बार ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, कैसे काम करें, कैसे ना करें, उसने ऐसा क्यों किया है, ऐसा हैकर क्यों किया है। सो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं बार बार रोक रही है, कहीं ना कहीं आपको काम करने में हेल्प नहीं कर पा रही है। सो वो क्या है, वो यही है कि आपको इमेजिनेशन पावर का बहुत ज़्यादा सही उपयोग करना चाहिए। आज भी मैं कोई अलग टेक्निक के साथ काम करूँगा, बट आप देखते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं रिजल्ट लगभग हमारा सिमिलर आता है। कभी हम स्टेप्स के साथ काम कर रहे हैं, कभी हम फ्रंट लेयर के साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल हम टेक्निक को देखते हैं, बट आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने एक सेक्शन डिवाइड किए हैं 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर आप देखोगे
कि ये वाला पार्ट क्या काम करता है। सो मैं इस वीडियो में जो आपको सिखाने वाला हूँ, ये सिखाने वाला हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए, हमारी लेयरिंग्स कहाँ से मिलती है, हमें वॉल्यूम कहाँ से मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा अगर वॉल्यूम कम करना है या ज़्यादा करना है तो हम कहाँ पर वर्क करें जिसकी वजह से हमें हेल्प हो। सो नंबर वन पॉइंट कि हमें हमेशा हमारा जो बेस लाइन होता है हमें उसको हमेशा स्ट्रांग बना के रखना होता है। अगर हम बेस लाइन को अगर थिन कर देंगे तो हमारा लुक जो है वो कितना भी अच्छा बना लो पूरा ख़राब हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं फ्रंट की अगर बात करता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा हमें फ्रंट की हेयरलाइन के लिए काम करता है, हमें फ्रेमिंग के लिए काम करता है, हमारे हेयर को जैसे कि कोई पॉनी बनाता है, कोई क्लचर लगाता है, कोई फेस पे एनी टाइम मैं कह सकता हूँ कि अपने हेयर को अपने फेस पे ही रखता है, वो चाहता है कि मेरा फेस हमेशा हेयर से कवर रहे, तो इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। उसके बाद जो हमें वॉल्यूम इन्हांस करना है या वॉल्यूम को डाउन करना है तो उसके लिए हमारा जो भी पार्ट होता है वो ये वाला पार्ट होता है, है ना। सो जितना ज़्यादा आप इस पे काम करोगे, जितना ज़्यादा इसके ऊपर आप अपने दिमाग को दौड़ाओगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो एकदम सिमिलर है, हम हमेशा यू शेप वी शेप एंड ऑल यहाँ पर डेवलप करते हैं। फ्रंट में हमारा हमेशा हेयरलाइन में हम क्या करते हैं, ओनली फॉर फॉरवर्डिंग करके हम फ्रेमिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लेक्स बैंक्स एंड ऑल ये सब कुछ करते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो प्ले होता है हेयर में वो कहाँ से होता है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपका क्राउन का, लोअर क्राउन से लेकर आप अब तक जा सकते हैं, आगे की तरफ से आप देखोगे तो नियर बाय 1 इंच का सेक्शन या 1.5 इंच का सेक्शन हमने छोड़ा हुआ है। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, बट सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें किस जगह क्यों करते हैं और यहाँ पे काम क्यों करते हैं, यहाँ पे काम क्यों करते हैं और यहाँ पे काम क्यों करते हैं। जब इसका रीज़न आपके पास, इसका जवाब आपके पास होगा तो आप देखना आपके काम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई डाउट है और कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे लेंथ शॉर्ट नहीं चाहिए तो आप सबसे पहले इस सेक्शन पे काम करेंगे, और आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे लेंथ शॉर्ट चलेगा बट मुझे लुक चाहिए, तो हमारे पास दो सेक्शन है जिसपे हमें काम करना है। पहला सेक्शन ये रहा हमारा जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ, जिसपे हमें काम करना है, और यहाँ पर मैं जब काम करूँगा तो आप देखना कि यहाँ पर कितना ज़्यादा आपको हेल्प होगा आपके लुक के अंदर। और जैसा कि मेरी क्लाइंट, जैसा कि मेरी मॉडल ने मुझे बताया कि मुझे बहुत अमेजिंग लुक चाहिए, मैंने कुछ हेयर कट किया था कुछ दिन पहले जिसका वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो उसके लिए मैं बोला कि यार वो वाला अच्छा था बट मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा चाहिए, है ना। उससे भी ज़्यादा अच्छा तभी मिल सकता है जब हमारे हेयर अच्छे हों। सो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट सबसे नंबर वन पॉइंट कि हमें जब काम करना है तो स्टेशनरी गाइडलाइन पर काम करेंगे। स्टेशनरी गाइडलाइन क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड स्टेशनरी गाइडलाइन पर हम जब भी काम करते हैं हम बहुत ज़्यादा लेयरिंग बट शॉर्ट टू लॉन्ग कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमारा हेयर शॉर्ट यहाँ पर हो रहा है देन लॉन्ग 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 इस तरह से जा रहा है। सो नंबर वन जब मैं इस पे काम करूँगा, ओके, ये मेरा सेक्शन है, इस सेक्शन को मुझे कट करना है, और डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो, मल्टीपल टेक्निक्स है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ कि कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो मैंने एक सेक्शन लिया, मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, मैंने होल्डिंग किया, मैं इसको 2 से 3 रेज कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो आपका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा, अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो आपका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा, आपका और ज़्यादा लॉन्ग चाहिए तो आपका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा। ओके, डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रेजुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा वहाँ पर फॉल बढ़ने वाला है। सो मैं यहाँ पर ना ज़्यादा शॉर्ट ना ज़्यादा लॉन्ग, मैंने सेक्शन लिया और यहाँ पर शॉर्ट टू लॉन्ग के डायरेक्शन पे वर्क करूँगा। मेरा ये हेयर जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा मूवमेंट क्रिएट होने वाला है, तो मैंने यहाँ पर इतना शॉर्ट किया, शॉर्ट टू लॉन्ग मैं यहाँ पे कट करने वाला हूँ। लुक एट दिस, ये मैंने शॉर्ट टू लॉन्ग क्रिएट किया, राइट। जब आप इसको देखोगे बैक साइड में ये अपनी लेयरिंग का काम करेगा, लुक एट दिस, ये जितना ज़्यादा मोमेंट आएगा उतना ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट होने वाला है। ओके, अब आपको 1 बाय 1 इसी एंगल पे, इसी डायरेक्शन पे सभी बालों को लेकर जाना है और वहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। सो मैंने लिया, सभी बालों को एक ही एंगल पे ले जाऊँगा और मिला दूँगा, कनेक्ट कर दूँगा, दैट्स इट।
सभी बालों को वन बाय वन कनेक्ट करते हुए जाना है। मैंने सभी बाल इस तरफ ले लिए, सभी बालों को इस तरह से पुश कर रहा हूँ और मेरा जो डायरेक्शन मैंने बनाया था स्टार्टिंग में, सभी बालों को उस तरफ ले जाकर कट करूँगा। ये हमारी गाइडलाइन स्टेशनरी है। सो आप देख सकते हैं मैंने सभी बालों को कहाँ पर लेकर गया, एक ही जगह पे, और ये कुछ इस प्रकार आपको शॉर्ट टू लॉन्ग विजिबल होगा। ओके सो बेसिकली मैंने आपको जो बोला है कि यार अपना थोड़ा सा ब्रेन वॉश करो, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में उनको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गए बट आज भी वो अपने वर्क में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये समझना है कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं ना। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके काम में। आई होप कि जितने भी हमारे आने वाले अपकमिंग हेयरड्रेसर्स हैं या जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो एक बार इसको ट्राई करिएगा जो मैंने आपको बोला है, उस पर सोचिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, आपके जो डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। आप वो कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ओके सो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे लगता है कि यार मुझे यहाँ पर मोमेंट ज़्यादा बढ़ाना है, तो मैं इस तरह से इनसाइड नॉचिंग करूँगा, थिनिंग करूँगा, जिससे कि और ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा। जितना ज़्यादा करोगे, जितना अंदर से वॉल्यूम क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा वॉल्यूम आने वाला है। कहाँ से चाहिए वो आपको सोचना पड़ेगा। ओके जितना बाल अंदर की तरफ शॉर्ट होगा, वो बाल उतना ज़्यादा बाउंस क्रिएट करेगा, उतना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेगा, है ना। मैंने ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया है। सो पता चला ऐसा नहीं कि आप सब पे स्टार्ट कर दो। तो अभी हमारा ये सेक्शन डन हुआ है, इसमें कितना हेल्प होता है वो हम देखेंगे, समझेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। आफ्टर कट देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमने बहुत लेयरिंग्स डाली है ना। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। मैंने एक सेक्शन लिया अगेन सेंटर से, और इसको मुझे कट करना है जो मैंने पहले कट किया है उसी की गाइडलाइन के साथ में। ये मैंने कट किया यहां पर, अब मुझे यहां पर शॉर्ट टू लॉन्ग यहीं पर इसी जगह पर जहां पर हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाना है और शॉर्ट टू लॉन्ग के डायरेक्शन में कनेक्ट कर देना है। जैसे कि लुक एट दिस, सी
तो ये शॉर्ट टू लॉन्ग क्या करेगा, यहाँ पर फ्रेमिंग भी करेगा एंड वॉल्यूम भी क्रिएट करेगा। ओके, और बैक साइड आप देखोगे तो ये वॉल्यूम 100% क्रिएट करने वाला है। सी लुक एट दिस, तो जितना ज्यादा इसको आप कट करोगे उतना ज्यादा आपको ये रिजल्ट देने वाला है। मैंने यहाँ पर जो कट किया है उसमें लेंथ का मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे शॉर्ट थोड़ा करना ही था, क्योंकि इन्होंने बताया कि मुझे शॉर्ट चाहिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पर लेयरिंग बढ़ती जा रही है ना। सो इसी तरह से वन बाय वन आपको वर्क करना है, सभी बालों को एक ही जगह पे लेके जाना है और उसके साथ कनेक्ट कर देना। अगेन जैसा कि हमने यहाँ किया था इस तरफ, सेम वैसा ही अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए सो आप यहाँ पर भी वही प्लान कर सकते हो, बट ध्यान रखना बहुत ज़्यादा हेयर ड्राई डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हुआ तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये हमारा वर्क डन हो चुका है। अब हम हमारे जो रेस्ट ऑफ हेयर हैं उनको ओपन करेंगे और उसके साथ कनेक्ट करेंगे फ्रेमिंग एंड ऑल। अगर और ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो सभी बालों को ऐसे ट्विस्ट करके यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो, बट कट करना है। वो जो यू यू करते हैं वो फेक है ना, वो क्या है, वो जो यू यू करते हैं वो फेक है, उससे कोई रिजल्ट नहीं आता और ज़्यादा बाल खराब होता है। अगर आपको काम करना है चॉप चॉप लाइक ऐसा करोगे तो उससे क्या होगा, छोटे छोटे बाल निकलेंगे जिससे कि वॉल्यूम क्रिएट होगा। अब हमारे पास ये हेयर है जो कि अब बहुत शॉर्ट होने वाले हैं, है ना, होने वाले हैं आपके हिसाब से। अभी देखो यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट हो रखा है ना, काफी हद तक बाउंस दिखाई दे रहा है और कुछ लेयरिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। अभी आपको इनको इस हेयर के साथ कनेक्ट करना है, किसके साथ, इनके साथ पूरा कनेक्ट करना है ना, फ्रेमिंग को पूरा कम्प्लीटली कनेक्ट करना है। अब आपको कितना शॉर्ट करना है आप देखिए, जैसे इन्होंने जब मैंने इनको पूछा कितना कट करूँ तो इन्होंने बोला इतना, इन्होंने बोला थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो, तो मेरे पास ऑप्शन है ना। सो यहाँ पर सभी बालों को वन बाय वन मैं गाइडलाइन लूँगा, पहले तो फ्रंट की जो मैंने कट किया था उसके साथ कनेक्ट करूँगा, इसके साथ ये गाइडलाइन के साथ कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना मैं कट कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ कट किया, ओके दिस। अब मुझे सभी बालों को कनेक्ट करते हुए जाना है।
तो इसमें क्या हुआ, हमारा बेसलाइन स्ट्रांग है, वॉल्यूम कहाँ आ रहा है? चलो थोड़ा सा ड्राई करते हैं, फिनिशिंग करना बाकी है। देखो अभी यहाँ पर बेस हेवी दिख रहा है, डाउन वाला, क्यों क्यों दिख रहा है? हाँ, हमने ज़्यादा कहाँ काम किया इस पोर्शन ना, तो इसकी वजह से जो भी लुक दिखाई देगा वो अप पे ज़्यादा दिखाई देगा और नीचे वाला बेस हैवी रहेगा, ये वाला पार्ट है ना। अभी कैसा लग रहा है, लुक एट दिस, हाँ अभी ये एकदम से प्रॉपर वॉल्यूम एंड ऑल। हाँ अभी स्टाइलिंग नहीं किया है ना अपन ने, ये जब ब्लो ड्राई करोगे तो और ज़्यादा इन्हांस होगा, कलर वलर होता तो ये और ज़्यादा इन्हांस करता। और सबसे बड़ी चीज़ ये टेक्सचर्स जो हमने क्रिएट किया ना वो थिनिंग से हेल्प हुआ है थोड़ा। एवरीवन यहाँ पर है एक आपका अमेजिंग लुक जो कि आपने देखा कि हमने कैसे कट किया, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में हमने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताया कि कैसे कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ा टॉपिक ये था कि आपको ये समझना है कि कहाँ से हम लेयरिंग क्रिएट करते हैं, कहाँ से वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में मैंने कह सकता हूँ कि मैंने इतना सा आपको बताया है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें सीखनी होती है, सो बने रहिए। और ऐसे ही लुक सीखने के लिए और ऐसे लुक देखने के लिए और बहुत सारे ऐसे जो हमारे हेडकोर्ट्स हैं जो आपको सीखना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कि यार इस टॉपिक पे कुछ ऐसा वीडियो बनाइए तो आप कमेंट करिए, हम वैसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट बेल आइकन, बिकॉज अब बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। बाय एवरीवन।